देश के लिए आम जनता के लिए किए गए 3 अच्छे काम बताइए आपने। सर, शिक्षा की व्यवस्था अच्छा मिला। क्या अच्छा है शिक्षा? गुजरात के अंदर हजारों सरकारी स्कूल बंद हो गए पिछले 5 साल में, अच्छा काम हुआ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते। जो ITI और जो IIT के जो फीस होती थी 40,000 45,000 और 5-5 लाख रुपया हो गई आपके, अच्छा काम किया, अच्छा हुआ ये। आप अपने भाई का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं? अभी नहीं करा सकते। क्यों? अच्छा काम किया मोदी जी ने तो। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं? फिर नहीं सर, ठीक है तो बताइए किए तो। ठीक है सर। क्या ठीक है? नहीं बोलता। ऐसे बुलेट ट्रेन चलेगी ना? हाँ चलेगी। ऐसे यहाँ पर अहमदाबाद में एक सी प्लेन चला था पहले इलेक्शन के टाइम में सर, उसका नहीं आज लोग ढूंढते पता नहीं कहाँ चला गया वो। सर उसकी बात अलग है, हम गुजरात में 2016 से मैं गुजरात में जॉब कर रहा हूँ। आपने सी प्लेन नहीं देखा था यहाँ पर? नहीं देखा था पहले। फिर कहाँ गया? दिखता है आजकल? यहाँ का नहीं देखा मैंने। पहले मैं ब्लू ट्रेन में प्रोजेक्ट में कंडक्शन लाइन में पहली जॉब कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। ब्लू ट्रेन ब्लू बुलेट ट्रेन है, एक्चुअली ब्लू ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या नाम है भाई आपका? अभी कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार किस जगह? सिवान। बिहार के लोग बहुत हैं यहाँ पर, आ जाओ। सिवान पड़ता है। सिवान शाहबुद्दीन के यहाँ से हैं आप? हाँ। उधर रहे नहीं बिचारे? नहीं रहे। क्या हाल है बिहार के? ठीक है सर। क्या लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है? सर इसके बारे में अभी कुछ बतला नहीं सकते क्योंकि बिहार में हम बहुत कम रहे। बिहार में कम रहे तो ज्यादा कहाँ रहे हो? मतलब सर मतलब ज्यादा करके गुजरात में ही मेरा बिता। अच्छा कितने साल से हो गुजरात में? यही मतलब 2017-18 से इधर ही। 17-18 साल से यहाँ पर हो? नहीं 17-18 से नहीं, मतलब 2017-18 से इधर ही है। 2017-18 से यहाँ पर है तो क्यों बिहार में अच्छा नहीं है क्या रोजगार वगैरह? सर वहाँ पे बेरोजगारी के मामला ज्यादा है कुछ, इसलिए आउट स्टेट में जाकर काम करना पड़ता है। तो क्यों बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा है वहाँ? सर वहाँ पे यदि देखा जाए तो शुरू से यातायात का सुविधा और शुरू से कंपनी का सुविधा नहीं। तो अभी पिछले 20 साल उठाकर देखो तो बीजेपी की सरकार रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं सर, लेकिन क्या बोलूं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अरे बोलने में क्या टेंशन है, बोलिए। मोदी जी क्या कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं सर। अच्छा काम कर रहे थे देश के लिए? क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया सर, देश के लिए जो भी मतलब की अच्छा काम किया, देश के लिए अच्छा काम किया। चलिए मोदी जी के देश के लिए आम जनता के लिए किए गए 3 अच्छे काम बताइए आपने। सर शिक्षा की व्यवस्था अच्छा मिला। क्या अच्छा है शिक्षा? गुजरात के अंदर हजारों सरकारी स्कूल बंद हो गए पिछले 5 साल में, अच्छा काम हुआ? नहीं सर ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते सर। आप कह रहे हो अच्छा काम किया सर। बंद हुए सरकारी स्कूल? बंद हुए गुजरात में। कई स्कूल बंद हुए हैं? ठीक है सर, अभी इस पे कुछ बोल। जो ITI और जो IIT के जो फीस होती थी 40,000 45,000 और 5-5 लाख रुपया हो गई आपके, अच्छा काम किया, अच्छा हुआ ये। आप अपने भाई का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं? अभी नहीं करा सकते। क्यों? अच्छा काम किया मोदी जी ने तो। फिर सर एक्चुअली क्या है उतना अपना कैपेसिटी नहीं है अभी इसके लिए। यार वही तो बात है ना, तो यानी गरीब के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने, इसका मतलब सर किए लेकिन। चलिए दूसरा काम बताइए आप। सर क्या बोल से अभी नहीं बोल पाएंगे। क्यों आप बोलिए? अरे यार इसका मतलब आप ये कहना चाहते, आप मोदी जी को रुसवा कर रहे हैं। आप देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं। फिर नहीं सर किए सर। तो बताइए किए तो। ठीक है सर। क्या ठीक है? नहीं बोलता। नहीं बोल, आप बोलिए भाई। चलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सर। सुरेंद्र कहाँ से हैं आप? राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान किस जगह? मेरे को दीजिए सर भाई। नहीं नहीं चलेगा चलेगा। राजस्थान किस जगह? राजस्थान शेखावटी से। शेखावटी से? अच्छा क्या माहौल है अभी गुजरा वहाँ पर आपके? राजस्थान इलेक्शन है? इलेक्शन आने लास्ट टाइम तो राजस्थान के भी इलेक्शन है और लोकसभा के भी इलेक्शन है, दोनों है। क्या लगता है क्या होगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों? बीजेपी अच्छा काम करती है। क्या काम अच्छा करती है? सब कुछ अच्छा ही किया बीजेपी ने, क्या ही नहीं किया। क्या वाले मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत सारा काम किया है। क्या काम किया? इंडिया के अंदर ब्लू ट्रेन आई है मोदी की वजह से आई है। क्या ये ब्लू ट्रेन चल रही है जो आने वाली? ब्लू का काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से गुजरात चल रहा है। अच्छा 508 किलोमीटर जो मोदी की देन है और किसकी देन है? कब आएगी वो? वो आने वाले 2028 तक चालू हो जाएगी, 28-29 में लगभग चालू हो जाएगी। अभी काम चल रहा है। मैं उसी में प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। अच्छा उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? 80,000 करोड़ का लोन लिया है जापान से बुलेट ट्रेन के लिए। तो सर 80,000 का काम पैसा लिया तो पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहा है ना, अपना दूसरे राज्य से लेके इन्वेस्ट करना ऐसा थोड़ी नियम है कि राज्य से नहीं लिया है, जापान से लिया है। से लिया, देश से लिया है, तो उससे थोड़ी कि मोदी खुद खा रहा है पैसा। अच्छा मोदी देश के लिए तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो होगी। अगर ऐसे बुलेट ट्रेन चलेगी ना? हाँ चलेगी। ऐसे यहाँ पर अहमदाबाद में एक सी प्लेन चला था पहले इलेक्शन के टाइम में सर, उसका नहीं आज लोग ढूंढते पता नहीं कहाँ चला गया वो। सर उसकी बात अलग है, हम गुजरात में 2016 से मैं गुजरात में जॉब कर रहा हूँ। आपने सी प्लेन नहीं देखा था यहाँ पर? नहीं देखा था पहले।
फिर कहाँ गया, दिखता है आजकल? यहाँ का नहीं देखा मैंने, पहले मैं ब्लू ट्रेन में प्रोजेक्ट में कंडक्टर लाइन में पहली जॉब कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए ब्लू ट्रेन, ब्लू बुलेट ट्रेन है, एक्चुअली ब्लू ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन है। तो ये बुलेट ट्रेन तो जब आएगी तब आएगी। मोदी जी ने कौन से तीन काम ऐसे किए जिससे देश के गरीब का फायदा हुआ, वो बताइए। गरीब का फायदा हुआ है, बताइए कौन से तीन काम, बताइए। गरीबी के लिए सब कुछ किया है, किसान को मैं, किसान को उनके लिए सब कुछ किया है। क्या किसान, किसान लोग हैं उसके लिए भी सब कुछ किया। अच्छा किया इनको, में जैसे किसानों को पहले कोई बाजरा होता था 1100-1200 बिकता था, आज बाजरा 2000 बिकता है। गेहूं पहले 1700-1800 बिकते थे, आज 2000-3000 बिक रहे हैं। इसका मतलब देश का किसान वाकई में पागल है, सड़क पे आकर बैठ जाता है आज भी। नहीं वो तो सर एमएसपी हमको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ऐसी हो गई, जो राजनीति वाले वो कितने चमचे होते हैं। गवर्नमेंट ऐसी हो गई है, गवर्नमेंट के लोग आजकल लोग बिकते हैं। ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि कोई मोदी थोड़ी बोलता है कि तुम लोग आगे धरना दो कुछ करो। अच्छा इसमें पोल्ट्री तो किसान को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो अपना ट्रक भर के टमाटर सड़क पर फेंक देता है। हो ही नहीं कि कौन बोलता है किसान लोग गए थे, मैं किसान का लड़का हूँ। अच्छा। मैं कभी विरोधी नहीं किया काले बिल का, क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पापा की इनकम अच्छी होती है खेती से। अच्छा मैं किसान का बेटा हूँ, एक नहीं मेरे घर में 20 आदमी किसान है। ऐसा थोड़ी कि मेरे पापा ही किसान है। तो आप क्यों किसान नहीं बने? अच्छा जब किसान इतना अच्छा कमाते हैं तो आप क्यों बुलेट ट्रेन में आ गए? पानी का किसानी करते हैं आप? पहले पानी का भी वजह होता है ना, ऐसा थोड़ी पानी हर जगह होता है, पानी बिजली सब चीजों का रहता है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हर जगह पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी। हाँ नहर आई से टाइम लगेगा हर चीज में आने में, कोई चीज को नीम रखेंगे तो उसमें बनाने में टाइम लगता है। अच्छा ऐसा नहीं कि हम डाल दिया कल खड़ी हो जाएगी कोई चीज। अच्छा और तीसरा काम? तीसरा काम जो गरीब लोग थे उनको मकान भी दिया है। कहाँ पर दिया है? बहुत लोगों को दिया सर, राजस्थान में भी दिया है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, सब जगह दे रहा है। अगर मोदी काम नहीं करता तो 10 साल से राज क्यों कर रहा है? तो आपने इंदिरा आवास योजना का नाम सुना है? इंदिरा आवास योजना का सुना है, सुना है। हा? क्या है वो, पता है आपको? उसका नहीं पता सर। इंदिरा आवास योजना ये था कि गरीबों को मकान दिए जाते थे, वो तो पहले भी मिलते थे, अब भी मिल रहे नहीं, क्या है उसमें? पहले सर किसको मिलते थे? मैं तो मेरे गांव में कभी नहीं, किसी को कुछ फायदा ही नहीं हुआ, नहीं हुआ किसी को, नहीं हुआ। अच्छा हा? कितना पढ़े हैं आप? मैं चाहे कॉलेज एमए कर रहा हूँ। तो आप आजादी के बाद से भारत और 2014 के बाद के भारत को क्या कहेंगे आप? आज मोदी को आने के बाद आज देश का 180 देशों के अंदर नाम आता है। एक पहले नहीं आता था? पहले नहीं आता था। अच्छा पहले अमेरिका से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था। किसको? देश के, भारत के प्रधानमंत्री को टाइम लेना पड़ता था। हाँ लेना पड़ता था। ओहो। पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, तो वाजपेयी जी भी टाइम लेकर ही गए होंगे फिर तो प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी वाजपेयी जी भी टाइम लेकर, वाजपेयी जी के टाइम पर मेरा जन्म नहीं हुआ था। अच्छा हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। लोग राजनीति खेलते हैं, मोदी काम अच्छा ही करता है। कौन राजनीति खेल रहा है? कौन खेल रहा है? गवर्नमेंट होती है ना, सब अपना अपना चूल्हा सेकते हैं, रोटी सेकने का काम करते हैं। किसी गवर्नमेंट बने सब चमचे एक होते हैं। हाँ मैं मोदी का भक्त हूँ, मोदी अच्छा काम करता है, देश के लिए अच्छा करेगा, 2024 में चुनाव जीतेगा। जीतेगा चुनाव? जीतेगा, गारंटी इस बात की दावा करके तैयार हूँ सबके सामने, मोदी 2024 में चुनाव जीतेगा। कितनी सीटें आएगी बीजेपी की? पिछले वर्ष सर आई उससे 20-25 सीट बढ़ती आएंगे। कितनी? 325 के प्लस ही आएंगे। 325 के प्लस आएंगे? हाँ सर मैं बोल रहा हूँ राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है, 25 के 25 आएंगे। 25 के 25 आएंगे आराम से? आराम से आएंगे। अरे बीजेपी की सरकार भी बनेगी राजस्थान में। राजस्थान में बन जाएगी सरकार? हाँ सर। अशोक गहलोत नहीं बन पाएंगे? नहीं बनेंगे सर। क्यों नहीं बनेंगे ना? क्यों? अशोक गहलोत ने जो किया वो अभी तक पूरा हो ही नहीं पाया राजस्थान में। क्या यानी कि? किसानों का कर्ज की माफ की थी 30 दिन में करने, आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बिजली फ्री की, आज फिर से बिजली का बिल ले रहा है वो। मोदी जी माफ क्यों नहीं कर देते किसानों का कर्ज? मोदी जी क्यों नहीं कर रहे किसानों? जो केंद्र के अंदर में आता केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार करती है। माफ किया मोदी जी ने? मोदी जी का जो केंद्र राज्य सरकार देती है राज्य सरकार ही करती है। माफ किया मोदी जी ने? मोदी जी ने माफ कुछ नहीं किया। अभी आप कह रहे मोदी जी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी काम अच्छी कर रहे हैं ना, सिलेंडर बढ़ा रहे हैं 1500 रुपए 1200 रुपए। अरे सर सिलेंडर का जब 1200 ले रहा है तो हमारी सरकार कांग्रेस सरकार 500 में दे रही थी, वो पैसा हमसे लेगी ना 1200 बाकी, तो ऐसे थोड़ी है कि वो अपने जेब से पैसा दे देगी। तो कांग्रेस सरकार 500 में कैसे? अरे सर जैसे बिजली फ्री की है कांग्रेस सरकार ने तो उनके फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया। अच्छा हाँ किसानों का पहले बिल नहीं आ रहा था, जब फ्री बिजली की तो किसानों का बिल आने लग गया फिर से। अच्छा हाँ मोदी राज में नहीं आता? मोदी राज में नहीं आया, सबसे महंगी बिजली गुजरात में है। सर गुजरात का मुझे नहीं पता, मैं राजस्थान का आदमी हूँ, मैं किसान का। तो गुजरात में है आप? अरे गुजरात में काम कर रहा हूँ तो सर ऐसे थोड़ी गुजरात में काम करता हूँ तो मुझे हर चीज का मेरे राज्य का पता है ना मुझे। तो आप गुजरात को अपना नहीं मानते हैं? अरे सर गुजरात को अपना नहीं, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा इसलिए गुजरात में काम किया तभी तो मैं काम करने आ गया। वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री बनेंगे सर? या कोई और बनेगा दूसरे मुख्यमंत्री का दावेदार? अभी कोई कंफर्म कौन बनेगा, लेकिन आने वाले समय में 2024 कैसा काम किया वसुंधरा राजे ने? अच्छा काम किया था। बनेंगी मुख्यमंत्री सर? वो तो देखो आगे सरकार का फैसला होता है ना, जो कैबिनेट बैठेगा वो फैसला करेगा किसको क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, वो आगे का समय है। कैबिनेट फैसला करेगा? अरे सर जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना वो किसको क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री फैसला करते हैं मुख्यमंत्री बनाने का? सर हाँ सरकार अपना आप करती है ना। मैंने तो सुना था कि सब एमएलए विधायक मिलकर तय करते हैं। सर विधायक एमएलए करते हैं, लेकिन एक फेस में यानी कि एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मोदी जी बोलेंगे वो होगा, वही होगा।
क्योंकि 2000 यही दावा है कि 2000 में मोदी जी फिर आएंगे। जैसे सोनिया गांधी बदनाम है ऐसे मोदी जी को बदनाम करेंगे आप, जो मोदी जी बोलेंगे वही होगा। अरे मोदी जी बदनाम क्यों होंगे, देखो सोनिया गांधी बदनाम क्यों हुई है? सोनिया गांधी बदनाम सर, उसने भ्रष्टाचार किया था, बदनाम हुई। क्या भ्रष्टाचार? उसका जो जवाई था उसका नाम भूल गया। अच्छा याद दिलाया आपने, बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि वाड्रा को जेल में डालेंगे, 10 साल हो गए जेल में नहीं डाला। 10 साल कहाँ हो गए, 10 साल राज करते हुए, लेकिन धीरे धीरे जेल में क्यों नहीं डाला उसको? सर टाइम आएगा सब चले जाएंगे। कब? सर टाइम आएगा ना, 24 के चुनाव जीतने दो, फिर बात करेंगे बैठ के। आप यही मिलूंगा मैं गुजरात। दाऊद इब्राहिम भी को भी लाने वाले थे पाकिस्तान से, वो भी नहीं लाया अभी तक यार। सर पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है ना कटोरा लेके, मोदी जी की देन है। किसके पास भीख मांग रहा है? हर देश के पास मांग रहा है, जा रहा है ना कटोरा ले रखा है, भीख क्यों मांग रहा है? फिर वो मोदी की देन है ना उसको रोड पर लाने की। अच्छा क्या क्या मोदी जी ने? अरे मोदी जी ने उसको सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, दो बार कर दिया, आतंकवादियों घुस के मारा उसके इरादे में, उससे भूखा मर गया पाकिस्तान। अरे सर भूखा मरा, आज कोई देश उसकी वैल्यू नहीं है ना। अच्छा। हर राज्य देश के अंदर उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। अच्छा तो उससे हमको क्या फायदा ये बताइए? अच्छा फायदा नहीं अपना तो ये है कि अपने देश जवानों को मारता था, इसलिए हमको तो दुश्मनी उससे। अच्छा आदमी मरता जवानों को? सर अब कहाँ मारता है, तो पुलवामा में 40 जवान कैसे मर गए थे? 40 जवान मोदी जी ने कितने मारे थे? आप ये बाद में पुलवामा में मरे थे उसे मोदी जी ने कितने मारे थे? आप नहीं देखे, बहुत लोगों को मारा था। कितने मारे थे? आतंकवादियों बहुत को मारा था। कितनों? सर आप कितने सवाल का जवाब नहीं दूंगा? आप बताइए कितने मारे सर्जिकल? हाँ कितने मरे थे सर्जिकल स्ट्राइक में? कितने मरे थे वो पता नहीं, बस मरे थे, बहुत सारे मरे थे। कितने होगा? समथिंग 50 से ज्यादा हो सकते हैं। हो सकते हैं, हुए नहीं है वो पता नहीं, बट हो सकते हैं। क्या नाम है? उरी मूवी आई थी, आपने देखा नहीं? शायद देखा होगा उरी। अरे मूवी यार बड़ी अच्छी है, बड़े मूवी की बहुत चलती है आजकल। कश्मीर फाइल भी देखी थी ना? वो भी देखी। अच्छी मूवी थी ना? एकदम जोरदार। मूवी की जिंदगी में जियो आप, जिंदगी तो रियल में जीना नहीं। ना जीना, रियल में भी जीना है। रियल में भी जीना है और वैसे भी जीना। आप तो मूवी की बात कर रहे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो। अरे वो नहीं, दोनों से लिंक होना चाहिए, सोशल मीडिया से भी और सबसे लिंक होना चाहिए। लिंक होके जिंदगी बर्बाद करी है, खुश मत रहिए। क्या पढ़ते हो? मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से क्या नाम है? मेरा जसवंत राज रोहित। क्या बनना है? मुझे बनना है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके बाद? उसके बाद देखते हैं अभी भगवान क्या कर रहा है। बार बार मत भाग जाना, यही रहना। इधर ही भाग नहीं पकड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।